हेलो गाइस, बिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं और मेरे हस्बैंड हम चले हैं गुरुजी के आश्रम। दोस्तों मैं जा रही हूँ और मेरी कजन सिस्टर आई है, मेरी बहन आई है चंडीगढ़ से अपनी बेटी के साथ। तो मेरी बहन भी जा रही है और मेरी भाभी जा रही है। मैं भी उनको लेने जा रही हूँ भाभी के घर। वो एक्चुअली घर नहीं जाऊंगी, रास्ते में गेट के बाहर आएंगे वो, और तो मैं वहीं से उन्हें पिक कर लूंगी। फिर हम चलेंगे गुरुजी के आश्रम। मैं आपको आज मिलवाती हूँ अपनी सिस्टर से। धूप हो रही है, सूरज ढलने वाला है, बहुत धूप है इस टाइम भी। 5:30 बज रहे हैं लेकिन कितनी धूप हो रही मैं आपको दिखाती हूँ। अरे वाह, इधर तो छाया आ गई। सूरज आगे दिखेगा। ये थोड़ा वैसा है ना पुल की वजह से। ये देखो शाम हो गई है भाई, सूरज ढल चुका है। कितना अच्छा मौसम लग रहा है लेकिन गर्मी बहुत है। हम तो गाड़ी पे बैठे हैं इसलिए पता नहीं चल रहा, एसी ऑन है। देखो धूप कैसी हो गई। दोपहर को तो आज बहुत ज्यादा धूप गर्मी थी, अभी थोड़ी कम हुई है। इसीलिए हम शाम को निकले हैं गुरुजी के यहाँ जाने के लिए। मेरी सिस्टर कह रही थी कि दीदी मुझे लेके चलो, वो मेरी छोटी बहन है, कि मुझे गुरुजी के यहाँ दर्शन करने हैं, मैं आ नहीं पाती। तो इस करके मैं अपनी सिस्टर को लेके जा रही हूँ और साथ में छोटी भापड़ी है, छोटी भाभी भी जा रही है मेरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम अपने गुरुजी का दर्शन करने जा रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप सभी को भी जय गुरुजी। हम जा रहे हैं गुरुजी के यहाँ दर्शन करने के लिए। गुरुजी हमें बुलाते तो हम जरूर जाते हैं। हमारा अचानक से जाना हो जाता है, सडनली हमारा प्लान बन जाता है गुरुजी के यहाँ, किसी न किसी तरीके से पहुँच जाते हैं। देखो गाइस, मेरी भाभी और मेरी सिस्टर सामने गेट के पास खड़ी है, आ रही है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, आप रोकी गाड़ी। ये आ गई मेरी भतीजी और मेरी सिस्टर एंड भाभी। हेलो जी, आ जाएंगे। हेलो, नमस्कार जी। आ जाओ। ये भाभी, ये मेरी सिस्टर। नमस्ते। हेलो करो सब लोग। ये है मेरी सिस्टर एंड भाभी एंड भतीजी। हेलो, जय गुरुजी। हम बड़े मंदिर जा रहे हैं गुरुजी के यहाँ, गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। हाँ। करो देखा से भी मुझे तो कुछ। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दोस्तों मेरी भाभी को बोलने में हिचकिचा रही है, वैसे खूब बातें करती है। और मेरी सिस्टर भी बहुत बातूनी है, चंडीगढ़ वाली है भाई, बहुत बोलने वाली है। ये इन्होंने लड्डू गोपाल ले रखे हैं मेरी बहन ने, और ये दिल्ली आई है। इनकी बेटी का कुछ एग्जाम चल रहा है, MBBS कर रही है बेटी, तो यहाँ उसमें एम्स में कोई एग्जाम चल रहा है तो आई हुई है ये। तो ये कह रही थी कि दीदी आप लोग जाते हो तो हमें भी लेके चलो, और इनका बहुत मन था। गुरु जी के बताती हूँ तो ये कल रेखा बोली के भाभी बड़े मंदिर चलते हैं, तो मैंने कहा चलो आज तो मार्केट होकर आते हैं, बाकी देखते हैं गुरुजी का बुलावा होगा तो जरूर जाएंगे। अपने हाथ पे कर। मेरे को ये पता नहीं था कि आप लोग जाओगे। हाँ मैंने बोला था आप लोग जाओगे, ये पता नहीं। मैंने बोला कि भाभी मेरा भी मत था, मगर मैं भी चलती हूँ, ये पता नहीं था। तो मैं गुरुजी से बोली, मैंने गुरुजी मैंने कहा लड़की का मन कर रहा है, आपके हाथ में है जो भी है, और आपका ऐसा प्लान बन गया। हम कल आपके पास गए तो आपने बोला कि भाई कैमरे में देख के बात। हाँ, आपने बोला कि भाई चलो बड़े मंदिर चलते हैं, तो ऐसे हमारा प्लान बन गया। और गुरुजी ने ऐसे सुनी। बस क्या बताऊं, मतलब जो भी मैं सोचती हूँ गुरुजी से पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गाइस आपने सुन लिया मेरी भाभी ने क्या बोला। उनका सडनली सब कुछ गुरुजी ने तैयार कर दी, उनकी तैयारी करा दी, हमारे साथ जोड़ दिया, और हमारा भी अचानक से प्रोग्राम बन गया। मेरे घर भाभी आए थे कल मेरी सिस्टर को लेके दोपहर में, तो हम दोनों ने बातें करी। तो भाभी ने, मैंने उन्हें बताया कि कल छुट्टी है ऐसे ऐसे, भाई भैया की भी छुट्टी है, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो गुरु पर्व की वजह से आज वो है ना बुद्ध पूर्णिमा, तो मेरी भाभी ने बोला कि मिनी हमें भी लेके चलना भाई, हमने ये हमारी सिस्टर का भी मन कर रहा है जाने का, तो हमने कहा चलो हम चलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, फिर रात को हमने फोन कर दिया कि हम जरूर जाएंगे। मैंने बोला तो भाई मैं नहीं जा पाऊंगी तो इनको तो जरूर ले जाना। बिल्कुल सही है, गुरुजी को बुलाना था तो सबको साथ में, जिसका बुलावा आता है गुरुजी उसी को लेके जाते हैं। बल्कि मेरी देवरानी का बहुत मन कर रहा है गुरुजी के यहाँ जाना का, लेकिन अभी तक उसका बुलावा नहीं आया। मैंने उसे यही बोला कि अभी गुरुजी ने आपको नहीं बुलाया, जब आपको बुलावा आएगा तो आप भी जाएंगे। नेक्स्ट वीक शायद वो भी जाए, अभी कुछ पता नहीं है। हर बार मेरा प्लान बोला था, मेरा तो मन कर रहा है मैं भी बड़े मंदिर जाती हूँ, आप लोग साथ तो देखते हैं। फिर आपके पास आए, आपने बोला हम मंदिर जाएंगे, आप लोग हम भी मिल आएंगे, हम भी देख आएंगे। गुरुजी का ऐसे प्लान बना देते हैं ना कि पता ही नहीं चलता, ऐसे प्लान बन गया। मुझे सब गुरुओं की ही देन है, सब कुछ गुरु की है, कृपा है। देखो गाइस कितना ट्रैफिक हो रहा है। चलो लाइट हो गई, ये देखो मलाई मंदिर कितना खूबसूरत। मेरा भी यही स्कूल था, मैंने भी इसी से पढ़ाई की थी, मलाई मंदिर से। हाँ सबसे पहले तो मैं ही पढ़ी। छतरपुर मंदिर है, छतरपुर मंदिर है, माता का मंदिर है ये, छतरपुर मंदिर। हेलो गाइज, हम आगे गुरुजी के आश्रम, गुरुजी की पार्किंग में हैं। हम वॉशरूम जा रहे हैं, हैंड वॉश करके वॉशरूम को जाके फिर जाएंगे गुरुजी के यहाँ। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। वहाँ की हम वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है दिखाना, तो अब यहीं पे हम रोकते हैं, बाद में आप बाहर आके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। जय गुरुजी। हमारे गुरुजी की पार्किंग कितनी बड़ी है और कितनी पब्लिक आती है हमारे दर्शनों के लिए। शिवाय शिवजी सदा सहाय, शिवाय शिवजी सदा सहाय, शिवाय शिवाय शिवजी सदा सहाय। तो हम जा रहे हैं लाइन के अंदर, गुरुजी के संग मेरी सिस्टर, पीछे भाभी। कैसा लग रहा है आपको गुरुजी के यहाँ की? अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आज भीड़ कम है, मैंने सोचा था आज भीड़ ज्यादा मिलेगी, बट इतनी नहीं है। हम लोग आए थे 2 अक्टूबर को, तो 4.5 घंटे में गुरुजी के यहाँ दर्शन हुए थे। मैं इतना थक गई थी, मेरे को लग रहा था गुरुजी कितनी परीक्षा ले रहे हो, बुला लो बुला लो अंदर, लेकिन हमारा नंबर नहीं आता, हर जगह रोका जा रहा था और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इनका बहुत अच्छा वो था, मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा था, डिसिप्लिन से। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई हक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, आराम से सबके दर्शन हो रहे थे। और ऐसा कुछ नहीं था, सभी को दर्शन हो रहे थे। और मंदिर लेट नाइट तक खुला था उस दिन, आई थिंक 10 से भी 11 बज गए होंगे, क्योंकि इतना रश था बहुत ज्यादा। सभी को पैकेट फूड मिल रहा है, गुरुजी का लंगर पैकेट में आ रहा है, कई दफा वहीं पे खाने को मिलता है। आज लंगर साथ में दिया जा रहा है, हाथ में पैकिंग में। देखो कि क्या पर्ची है, कैसे खाते हैं हम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी और गुरुजी की कृपा से मैं दौड़ती हूँ, चलती हूँ, काफी ठीक हो गई। थोड़े से सांस चढ़ते हैं, लेकिन पहले से बहुत बेस्ट हो गई हूँ, बहुत अच्छी हो गई हूँ, गुरुजी की कृपा है। मैं सर्दी में आई थी तो मेरे से शूज की लेस भी नहीं बांधी जा रही थी, चढ़ाई नहीं जा रही थी, तो मेरे बेटा ने मुझे बार बार शूज पहना रहे थे। और मैं खाटू श्याम गई थी, तब भी मेरे को बहुत दिक्कत थी, तब भी मेरे देवरानी ने मेरे को जूते पहनाए, वो लास्टिक इतने टाइट थे स्पार्क के, तो पहनने में बहुत दिक्कत कर रहे थे। और अब मैं अपनी चप्पलें खुद पहन लेती हूँ, गुरु की कृपा है, और दौड़ दौड़ के चल रही हूँ। जय गुरु जी, आप सभी को ऐसी हेल्थ बख्शे, गुरु जी सब स्वस्थ रहे, गुरु जी को ये गुरुजी की ब्लेसिंग सभी के पास जाए, सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद दें, सब स्वस्थ रहे, सब चंगे रहे। यहाँ का जो प्रसाद है, अगर घर पे खाओ तो मिठाई गुरुजी कहते सी, और इतने खाओ तो दवाई। जो इतने खाते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है। गुरुजी का जो भी मिलता है उसे बचाना नहीं होता, उसे सबको वहीं पे खाना होता है पूरा। दो दो फुलके मिलते हैं, चार व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, एक प्लेट के अंदर खाते हैं और इतना पेट भर जाता है, तृप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के यहाँ आके, और उससे मेरी देखो हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा वेट भी कम हो गया। मैं एकदम एक्टिव हो गई हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। देखो गुरु जी के आश्रम के नज़दीक पहुँच गए, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाने देते, थोड़ा सा दिखाऊंगी। देखो दोस्तों गुरु जी का मंदिर दिखा रही हूँ, मैं पार्किंग में खड़ी हूँ, कितना सुंदर है। देखो जय गुरु जी, हाथ जोड़ लो भाई, आप भी गुरु जी के दर्शन करा रही हूँ। और मेरी जो सिस्टर है वो गुरु जी का स्वरूप लेने गई है, लाइन में लगी है, बहुत लंबी लाइन है स्वरूप लेने की। तो स्वरूप के लिए टोकन मिलते हैं, तो स्वरूप यहाँ मिलता है गुरु जी के आश्रम में। यहाँ से मेरी बहन भी लाइन में लगी है गाइस, वो आई है चंडीगढ़ से, तो कह रही कि दीदी मैं जरूर लेके जाऊंगी स्वरूप। तो वो खड़ी है लाइन में, और हमें मिला है प्रसाद। दिखाना प्रसाद, दिखाओ। देखो बस ये हम सबको प्रसाद मिला है। जय गुरु जी। देखो लंगर है ये, इसमें चटनी है और दो चपाती है गुरु जी की, हलवा है, नाल दो सब्जी। दोस्तों अब मैं सीधा घर जा रही हूँ गुरुजी के आश्रम से। हमारे दर्शन हो गए गुरुजी के, तो हमारी फैमिली चली अब घर की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय गुरुजी, जय श्री राम, जय बजरंगबली।